हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल में। फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे हम लोग और फार्माकोलॉजी में चैप्टर नंबर 20 चल रहा है इंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, जिसमें हम लोग अलग अलग हार्मोन्स, अलग अलग ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स और उसकी फार्माकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं और इसके साथ साथ बात कर रहे हैं कि उसके हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन में हम कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका साइड इफेक्ट है, क्या उसका एडवर्स इफेक्ट है और इस पूरे चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए उसी कड़ी में लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम इंसुलिन हार्मोन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग यानी कि डायबिटीज की मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। पूरी लेक्चर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं फिर से कहूंगा यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ कंसाइज वे में आपको पढ़ाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाऊंगा जिसके की आपको जरूरत है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम बात कर लेते हैं कि इंसुलिन क्या है, थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। तो बेटा इंसुलिन के बारे में सबको पता है कि जो इंसुलिन होता है वो बेसिकली हमारे पैनक्रियाज, एक ग्लैंड है पैनक्रियाज में जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हेल्स होती है, वहां तीन तरह की कोशिकाएं हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमेटोस्टैटिन निकलता है, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। बीटा से जो इंसुलिन निकलता है उसकी बात करें, सबसे पहले इसको बैंटिंग और बेस्ट ने 1921 में डिस्कवर किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है मेरे बच्चों, बैंटिंग और बेस्ट 1921, ये टर्म आपको याद रखना है, बैंटिंग एंड बेस्ट। एक चीज और कई बार पूछा एग्जाम में कि कितने अमीनो एसिड की चयन होती है, तो इसमें बेसिकली 51 अमीनो एसिड होते हैं और दो चयन होती है, ध्यान समझिएगा, दो चैन में बने होते हैं ये इंसुलिन जो है वो दो चैन में होता है, एक चैन बड़ा एक चैन छोटा, एक चैन में 30 अमीनो एसिड होते हैं और दूसरे में 21 अमीनो एसिड होते हैं, ये वाला ए छोटा है बी बड़ा है। तो ए चैन में 21 अमीनो एसिड और बी चैन में 30 अमीनो एसिड, याद रख लो, ये सब एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, कुछ ये वर्ड्स हो गए, केवल वही वही पॉइंट बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए। सिक्रीशन की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में मेन स्टिमुलस है, जैसे कि हम खाना खाते हैं और हमारे बॉडी में ग्लूकोज जाता है, तो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए या सेल के अंदर पहुंचाने के लिए हमारे पैनक्रियास से जो है बीटा सेल जो है वो ग्लूटान 2 ट्रांसपोर्टर के द्वारा ये ऑटोमेटिक इंसुलिन रिलीज करता है। वो इंसुलिन बकायदे पूरे एक मैकेनिज्म है कैसे वो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज 2 ट्रांसपोर्टर के द्वारा वो इनटेक करता है सेल के अंदर, और सेल के अंदर जाके ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके 3 साइकिल चलती है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स और एटीएस, जिसके तहत हमें एटीपी बनता है। ओवरऑल ग्लूकोज का फंक्शन एटीपी बनाना है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। और कुछ और बात जान लेते हैं कि अल्फा से सोमेटोस्टैटिन निकलता है और इनहिबिट रिलीज ऑफ इंसुलिन। देखो अल्फा जो है अल्फा रिसेप्टर और देखो एक आपका बताया 3 सेल है अल्फा बीटा गामा, तो जो अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन और गामा से निकलता है सोमेटोस्टैटिन, दोनों ही इंसुलिन को इनहिबिट काम करने के लिए इंसुलिन के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। ग्लूकागॉन इंसुलिन के अपोजिट काम करता है, ये वर्ड आपको याद रखना है। और जहां पर भी ग्लूकागॉन, वेगस और बीटा रिसेप्टर होंगे वहां पे इंसुलिन का रिलीज जो है वो स्टिमुलेट होगा, ये वर्ड आप याद रखिएगा, आगे आपको इसे काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंसुलिन कैसे काम करता है, कैसे हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। तो ये पहला इसका सबसे बेसिक पर्पज है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को घटाता है। कैसे घटाता है, मैंने आपको बताया कि हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर पहुंचता है ब्लड में, और ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा तो उसे डायबिटीज कहते हैं। तो वो घटाता है कैसे, वो क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज को ले जाकर कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर भेजता है जहां पे उसका मेटाबॉलिज्म होता है, दैट्स इट। तो जब वहां पे मेटाबॉलिज्म होगा तो ऑटोमेटिक ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटेगा। ये कैसे करता है, ये ग्लूकोज की एंट्री को स्टिमुलेट करता है, वहां पे रिसेप्टर होता है बाय दिस ग्लूट फोर की सिंथेसिस को इंक्रीज करके ऑटोमेटिक मसल्स और फैट में ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर है जिसके द्वारा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, और ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करता है। व्हाट इज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हमारी बॉडी में जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है एडवर्स कंडीशन में, जब हमें खाना का खाने की जरूरत होती है, जब बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है और हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में टूटता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये इसको भी इनहिबिट करेगा, क्यों इनहिबिट करेगा इंसुलिन, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में ग्लूकोज है, आपकी जरूरत नहीं है, आप शांति से बैठे रहिए। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनहिबिट करता है, यानी फैट, प्रोटीन और लिपिड से जो बॉडी में ग्लूकोज बनते हैं उसको ये इनहिबिट करता है, और ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज करता है। ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज करने का मतलब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को बढ़ाता है, यानी ये सारे प्रोसेस के द्वारा
आप एक चीज समझ पा रहे हैं कि ये ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम कर रहा है, वहीं पे ये कुछ चीजों को कम इनहिबिट भी करता है, जैसे लाइपोलिसिस, ट्राइग्लिसराइड डिपोजिशन को भी कम करता है। अगर किसी भी इंसान के शरीर में इंसुलिन कम है और उसे शुगर हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन की कमी से ही लाइपोलिसिस होती है और ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन होने लगता है। वहीं पे ये क्या क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी करता है, ये अलग अलग इसके भी और कुछ काम है। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंसुलिन, देखिए इंसुलिन के टैबलेट्स नहीं आते। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में टाइप वन डायबिटीज है, डायबिटीज का मतलब शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, या कंडीशन ऐसी पहुंच गई है टाइप 2 डायबिटीज की, बहुत एडवर्स हो गई है, बहुत सीवियर हो गई है कि इंसुलिन एकदम बन नहीं रहा है, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, उस केस में हम इंसुलिन के इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इंसुलिन के जो इंजेक्शंस हैं इसको चार कैटेगरी में बांटा गया है। एक रैपिड एक्टिंग, कि तुरंत लगाया और तुरंत बॉडी में इंसुलिन पहुंचा और तुरंत असर करना शुरू किया और तुरंत ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया। ठीक है, कभी क्या होता है किसी को ऑपरेशन वगैरह करना है, उसका ब्लड शुगर 400-450 है, अब ऑपरेट नहीं कर सकते, आप इंसुलिन लगाइए, ब्लड शुगर तुरंत डाउन हो जाएगा और आप फिर ऑपरेट कर दीजिए। उसमें बेसिकली लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूसिन, तीन प्रकार के आपके इंसुलिन आते हैं। मार्केट में आप देखेंगे तो ग्लैरेटस के नाम से इंसुलिन, एस्पार्ट के नाम से इंसुलिन, लिस्प्रो के नाम से मिलता है। जो लिस्प्रो वाला है वो 15 मिनट में असर शुरू कर देता है, एस्पार्ट जो है लगभग 20 मिनट में, और जो आपका ग्लैरेटस है, ग्लूसिन है, वो भी 15 मिनट में असर अपना शुरू कर देता है, और लिस्प्रो का असर लगभग 3 घंटे, एस्पार्ट का असर लगभग 4 घंटे तक, और ग्लैरेटस का असर भी लगभग 3 घंटे तक होता है। ये बहुत तेजी से काम करते हैं। वहीं पे ये रैपिड एक्टिंग मतलब बहुत तेज काम करना, कुछ शॉर्ट एक्टिंग है तो उसमें रेगुलर और लैंसेट आते हैं, सेमी लैंसेट, लैंसेट, वो 15 से 20 मिनट में काम करते हैं, 4 से 3 घंटे तक उसका असर होता है। वहीं पे इंटरमीडिएट एक्शन में आपके आइसोफेन्स आते हैं, लेंटे आते हैं, जिसमें 30-70 का आपका जो लेंटस 30+70 नोवोमिक्स वगैरह के नाम से आते हैं, जिसमें 2 रेशियो मिले होते हैं, तो उसका असर 1 से 2 घंटे में शुरू होता है, 30 से 60 मिनट में शुरू होता है, और लगभग बॉडी में 8 से 12 घंटे तक इसका असर रहता है। वहीं पे इंटरमीडिएट एक्टिंग की हो गया, तो लॉन्ग एक्टिंग जो पूरे दिन असर करे, एक बार इंसुलिन लगाइए पूरे दिन असर करेगा, वो अल्ट्रालेंटी है, ग्लारजिन है, डिटरमीन है, और डेग्लूटेक, डेग्लूटेक मार्केट में ट्रेसिबा के नाम से बिकता है, तो डेग्लूटेक वगैरह जो है लॉन्ग एक्टिंग है, जैसे कि ये 2 घंटे में इसका असर शुरू होता है और करीब 16 से 18 घंटे, 20 से 24 घंटे तक इसका बॉडी में असर रहता है। ये इंसुलिन याद कर लेना बेटा। इस पे क्वेश्चन क्या आता है कि ग्लैरेटस क्या है, लॉन्ग एक्टिंग की सॉफ्ट एक्टिंग, डेग्लूटेक क्या है, तो डेग्लूटेक, ग्लैरेटस, लेंटेस, ये सभी लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, बाकी 30-70 का जो नोवोमिक्स आता है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग है, बाकी आपका यहाँ पे लिस्प्रो, एस्पार्ट, ये सब जो है वो रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, अब आपको कुछ याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक है, आपने रैपर सुने होंगे, जो आजकल रैपर बहुत चले हैं, बादशाह, हनी सिंह और न जाने क्या क्या है, वो लोग गालियां भी देते हैं अपनी रैप गाने में। ठीक है, जैसे बदतमीज, साले, कुत्ते, कमीने, ये सब वर्ड का वो इस्तेमाल करते हैं, तो 15-20 मिनट के रैप में गाली फॉर रैपिड एक्टिंग, मतलब रैपिड एक्टिंग के लिए आपको करना है 15-20 मिनट के रैप, अगर कोई 15-20 मिनट रैपिंग किया तो गाली जरूर देगा, तो 15-20 मिनट मतलब है कि बहुत रैपिड एक्टिंग काम कर रहा है, तो रैप मतलब रैपिड और गाली मतलब GAL, तो आपका ग्लूलिसिन, एस्पार्ट और लिस्प्रो, ये तीनों जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं रैपिड एक्टिंग। याद रखो ट्रिक क्या है, गाली से याद कर लेना, रैपिड मतलब गाली, तो गाली मतलब GAL, तो ग्लूसिन, स्पार्ट और आपका लिस्प्रो, याद हो गया। वही पे अगर हम शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो छोटे लोग हाफ गाकर रेगुलर पीते हैं, जो लोग छोटे लोग होते हैं, छोटे लोग मतलब होते हैं मिडिल क्लास के लोग, नॉर्मल शाम को बैठे तब पौआ खोला, चखना लगा, एक गिलास पिया और गाना गा रहे हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी, चले छोड़िए। ठीक है, तो उसमें आपको ट्रिक याद करना, छोटे लोग मतलब शॉर्ट एक्टिंग, तो छोटे मतलब शॉर्ट एक्टिंग, हाफ लगाकर मतलब सेमी लेंसेड, और रेगुलर मतलब रेगुलर, ये दो चीजें हमारी आपकी आती हैं सेमी। वहीं पे लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो लॉन्ग जब कार याद कर लीजिएगा, लंबी गाड़ी लाकर, याद कीजिएगा लॉन्ग एक्टिंग मतलब लंबी गाड़ी लाकर, तो लॉन्ग एक्टिंग लंबी गाड़ी का मतलब लॉन्ग एक्टिंग, और गाड़ी का मतलब ग्लैरजिन और डेग्लूटेक। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं कैसे आपको इंसुलिन कैटेगरी याद करनी है, याद रख लीजिएगा बेटा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इंसुलिन के इंजेक्शन के बारे में। अब थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने फार्माकोलॉजी वगैरह में पढ़ा है। इसके जो इंजेक्शन आते हैं वो IV IM नहीं होते हैं, बल्कि सबक्यूटेनियस होते हैं, बहुत पतली सी नीडल होती है, इसको सबक्यूटेनियस दिया जाता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्ट 2 inches अराउंड अम्बिलिकल थ्रो बट सुपर डोर्सलम, यानी आपके जो अम्बिलिकल है नाभि के दोनों चारों तरफ, 2 अंगुल के आसपास आप चारों तरफ स्पेस बना लीजिए, आप वहां पे दे सकते हैं, और केवल रेगुलर जो क्रिस्टलाइन जिंक है उसको हम IV देते हैं।
इंसुलिन में जो जिंक के साथ क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है उसको अभी देते हैं, बाकी सब सबक्यूटेनियस होता है। फैक्टर अफेक्टिंग इंसुलिन एब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी में इंसुलिन कब अच्छे से काम करेगा, कब अच्छा एब्जॉर्ब होगा, वो डिपेंड करता है कि कहां पे आपने लगाया है। अगर एब्डोमेन या बटक्स के आसपास लगाया है तो बहुत जल्दी काम करेगा। और इंसुलिन कौन सा है, एस्पार्ट है, डिस्प्रो है, ग्लुसिन है, रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी देर पे एक्शन होगा। वहीं पे कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी, अगर किसी व्यक्ति को इंसुलिन आपने ज्यादा दे दिया या आपने कैलकुलेट नहीं किया डोज और उसको दे दिया तो कुछ कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर बहुत डाउन हो सकता है, उससे चक्कर वगैरह आएगा, लिपिडो डिस्ट्रॉफी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो सकते हैं, सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो सकता है, बॉडी में सूजन आ जाएगी, एडिमा आ सकता है, ये प्रॉब्लम है। कुछ नोट्स भी याद कर लीजिए, इनहेलेशन इंसुलिन, ये भी कुछ आजकल एक नए वर्ड्स आ गए हैं, इंसुलिन इनहेल से फॉर्म में, इसको एक्सिब्रा बोलते हैं, ये लंग कैंसर और फाइब्रोसिस काज करता है इसलिए इसको नहीं दिया जाता है। वहीं पर इनहेलेशन इंसुलिन जो एफ्रेजा है, इसको FDA ने Type 1 डायबिटीज के लिए अप्रूव किया है, जो बच्चे हैं जिनको Type 1 डायबिटीज बचपन से है, और इसको पेशेंट को क्रोनिक लंग डिजीज के साथ जो है हम आराम से नहीं यूज करें। किसी को अगर अस्थमा है तो हम इनहेलर वाला इंसुलिन कभी नहीं देंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंसुलिन के बारे में, और तो इंसुलिन के साथ कुछ ड्रग के इंटरेक्शन भी देखे गए हैं। अगर आप कोई खास तरह की दवा खाते हैं तो, या आप इंसुलिन रेगुलर लेते हैं तो कुछ दवाइयों पे आपको परहेज करना, जैसे ड्रग इंटरेक्शन जो है कुछ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन है, ठीक है। तो क्यों करता है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा, पाल्पिटेशन, ट्रिमर, एंजाइटी वगैरह हो सकती है। अगर आप शराब पीते हैं तो उसके साथ भी आपका ब्लड ग्लूकोज बहुत डाउन हो जाएगा, इंसुलिन नहीं लेना चाहिए। डायुरेटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डाइजोक्साइड ड्रग के साथ भी आपको इंसुलिन नहीं लेना चाहिए, ये इंसुलिन के इफेक्टिवनेस को घटा देता है। ये सब याद कर लेना, शराब के साथ, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के साथ, और डायुरेटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ आपको इंसुलिन नहीं लेना है। इंडिकेशन बात करें इंसुलिन थेरेपी के, ये जितने भी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होते हैं, यानी Type 2 वाले जो है और Type 1 दोनों के केस इसको हम दे सकते हैं। जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है यानी Type 2 वाले में, उसको भी हम दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, डायबिटीज के सीवियर केस में हम इसको दे सकते हैं, ये सब, और हाइपरकैलेमिया वगैरह केस में हम इसको दे सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ओरल जो आपके एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी ड्रग है जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग की कैटेगरी में आती है, तो चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन याद कर ले। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली इसको हम बांट रहे हैं 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है जो इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाए, मैंने क्या कहा, शुगर 2 तरीके से हो सकता है बेटा, पहले मैकेनिज्म जान लो। एक तो हमारे शरीर में इंसुलिन जो निकलना चाहिए वो कम निकल रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण है कि इंसुलिन तो निकल रहा है लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है, अब वो इंसुलिन इतना कैपेबल नहीं है कि वो आपके ग्लूकोज को उठा करके सारे ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल सके, वो इतना थक गया है कि वो 2-4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अंदर भेज के थक जाता है, काम करना बंद कर दे, यानी बॉडी में इंसुलिन तो है लेकिन उसकी सेंसिटिविटी घट गई है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपके पैनक्रियाज के सेल मर गए हो, बीटा सेल खत्म हो गए हो, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कारण है, उसमें से पहला है क्लासिफिकेशन जो इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाते। अब इसमें भी 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी है, बेसिकली 2 कैटेगरी है, जो पोटेशियम एटीपेज चैनल ब्लॉकर होते हैं और दूसरा डाइपेप्टाइड DPP-4 इनहिबिटर्स होते हैं। ये दोनों DPP-4 इनहिबिटर सबसे ज्यादा आजकल इस्तेमाल किया जाता है, इसको ग्लिप्टिन्स कहते हैं, इसमें सीटाग्लिप्टिन, मिल्टाग्लिप्टिन, सॉक्साग्लिप्टिन और एलोग्लिप्टिन है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सीटाग्लिप्टिन, जो कि जानुमेट जेनोविया के नाम से आता है, और मिल्टाग्लिप्टिन जो है वो आपके विल्डाग्लिप्टिन जो है वो गैलवास के नाम से आता है मार्केट में, जेनुमेट और गैलवास में, ध्यान दीजिएगा। सीटाग्लिप्टिन को जेनोविया कहते हैं और विल्टाग्लिप्टिन को आपके हम क्या कहते हैं, गैलवास कहते हैं, ये सब वर्ड याद रखिएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया, उसमें जो हो गया ब्लॉकर में, एक होते हैं सल्फोलिन यूरिया कैटेगरी के ड्रग, ये इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाते। आपने ग्लिमिप्राइड का नाम सुना होगा, डाइमाइक्रोन नाम से बहुत फेमस ड्रग है, GP1 GP2, ग्लिमिप्राइड 1 एंड ग्लिमिप्राइड 2 MG, सब सुबह खाली पेट खाई जाती है। तो उसमें टोलब्यूटामाइड है, ग्लिबेनिक्लामाइड है, ग्लिपिजाइड 5 MG में आता है, ग्लिक्लाजाइड है, ग्लिमिप्राइड है और क्लोरप्रोपामाइड, ये सभी ड्रग्स सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इसके अंदर सल्फोनिल यूरिया मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता है। वहीं पे फिनाइल एनामिन एनालॉग में आपका रेपाग्लिजिन और नेटाग्लिडेनाइड, ये भी ड्रग है, सारी की सारी दवाइयां जो हमने पढ़ी ये हमारे बॉडी में इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। वहीं पे दूसरा ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, मैंने क्या कहा, हमारे शरीर में इंसुलिन तो है लेकिन वो रजिस्ट हो गया है, रजिस्टेंस कर रहा है, वो ग्लूकोज के साथ अब वो अंदर नहीं भेज पा रहा है,
उस केस में हम मेटफॉर्मिन, ये बिग वन एट कैटेगरी में आता है, और दूसरा ये बेसिकली एएमपी के एक्टिवेटर होते हैं, और थायाजोलिडीन कैटेगरी की जो ड्रग है वो हमारा पायोग्लिटाजोन। तो मेटफॉर्मिन और पायोग्लिटाजोन दोनों इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करते हैं। यही पे मिसलेनियस में बात करते हैं तो कुछ अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है, ये कैसे काम करते हैं, मैंने कहा कि कभी कभी हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है ग्लूकोनियोजेनेसिस है उस प्रोसेस के द्वारा बॉडी में ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में हमारे एक आरगोज, मिग्लिटॉल और वोग्लिवॉस आते हैं। ये कैसे काम करते हैं, बेसिकली हमारे जो आपका ग्लूकोज है वो हमारे खाना खाने के बाद हमारे ब्लड में तो आ गया, अब सेल में तो नहीं जा पा रहा, ब्लड में भरा हुआ है, तो हम उसे यूरिन के रास्ते से या मल मूत्र के रास्ते से शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ग्लूकोज को ब्लड में एब्जॉर्ब होने ही नहीं देते हैं। ये करता है वोग्लिवॉस, एकारगोस, मिग्लिटॉल, ये ऐसे काम करते हैं। वहीं पे एमाइलिन कैटेगरी में हमारा प्राइमेनिटाइड आता है, डोपामिन D2 एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन आता है, मल्टीपर्पज है, और सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में हमारा डायपाग्लिफोसिन आता है। ठीक है, ये सारी कैटेगरी है जिसको आपको समझना है। कुछ ट्रिक अगर आपको मैं बता दूं कैसे याद करना है, तो सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी को याद करने का ट्रिक क्या है कि गिली तौलिया कल सुखाया हूं। ठीक है, मतलब कि जब कोई गिली तौलिया ले लो उसको तुरंत सुखाओ, नहीं तो नुकसान करेगा, गर्मी में खुजली होगी, ठंडी में तो सूखेगा ही नहीं। तो गीली तौलिया कल सुखाओ को हम याद कर सकते हैं सल्फोनिल यूरिया में। गीली में हमारा ग्लिब्रेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड और ग्लिमिप्राइड आ गया गीली में, तौलिया से टॉलब्यूटामाइड, कल से क्लोरप्रोमाइड और सुखाओ से सल्फोनिल यूरिया। याद हो गया, सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी में ये सारी ड्रग्स आती हैं। ये ट्रिक एक दो बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। वहीं पे डीपीपी इनहिबिटर बात करें यानी सारे ग्लिप्टिंस की बात करें तो वहां पे है अलविदा सीता दी। आप सीता दीदी से कह रहे, सीता दीदी मैं जा रहा हूं, आप मेरी छुट्टियां खत्म हुई, अलविदा। तो अलविदा में हो गया एलोग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सीता से सीटाग्लिप्टिन और डीआई से DPP-4 इनहिबिटर। ठीक है, ये कैटेगरी याद रखिएगा, बहुत से बिना ट्रिक के भी याद हो जाएगा, बहुत इजी है ये सारा। ठीक है, अब हम चलिए बारी बारी से इन सभी इंसुलिन के मैकेनिज्म को समझेंगे कि ये दवाइयां कैसे काम करती है। मैंने बताया ना सारी जो मेडिसिन बताया ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में, मैंने आपको क्लासिफिकेशन के साथ ही एक तरह से मैकेनिज्म समझा दिया शॉर्ट में कि कौन मेडिसिन कैसे काम करती है। अब उसके मैकेनिज्म में कौन से क्वेश्चन कहां से बनते हैं चलिए इसको ब्रीफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ड्रग एक्टिंग बाय रिलीजिंग इंसुलिन, इंसुलिन के सिक्रीशन को जो बढ़ाते हैं, क्या करते हैं बेसिकली एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को बंद कर देते हैं जिससे कि बीटा सेल का डीप्रोडक्शन। अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर, जीपैड स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चन और वीडियो से